हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक्स। बच्चे भी बना सकते हैं खाना। तो आज इस नवरात्रि के अवसर पर हम बनाने जा रहे हैं मखाने की खीर, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है। और साथ ही में मखाने इतने ज्यादा एनर्जी के बढ़िया सोर्स होते हैं और बहुत एनर्जी मिलती है इससे शरीर को, मतलब कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये खीर टेस्ट के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होती है, तो इसे ट्राई जरूर करें। और नवरात्रि पे इसे आप दुर्गा माँ के प्रसाद में भी चढ़ा सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया होती है, शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी पोस्ट करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, गर्म होने देंगे। और ये ध्यान रखें, खीर बनाने के लिए हमेशा मोटे तले का ही बर्तन लें। और अब हम सबसे पहले फ्राई करेंगे मखाने, और यहाँ मैंने लिया है ये 1 कटोरी मखाने, इसे डाल देंगे इसमें। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो मखाने फ्राई हो चुके हैं बढ़िया से, अब इसे निकाल लेंगे। और मखाने को फ्राई करने में मुझे यहाँ करीब 3 मिनट लगे हैं, और मखानों को हमें इतना फ्राई करना है कि वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अब वापस से इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। तो यहाँ ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसे मैं इसमें डाल दूंगा, अब फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई कर लिया है, इसे भी निकाल लेंगे। और अब इसी सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 1 लीटर दूध। तो अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, और अब हम इसे उबाल उबाल कर गाढ़ा कर लेना है। और ये जो साइड साइड में आप देख रहे हैं ना, जो मलाई जम रही है ना, उसे हमें जमने नहीं देना है, दूध में ही मिला लेना है। उससे ही दूध का टेक्सचर गाढ़ा होता है। और ये जो मखाने मैंने फ्राई किए थे, इसे मैंने समान दस्ते में डाल दिया है, और 4 से 5 मखाने मैंने अलग गार्निशिंग के लिए रख लिए हैं। और ये जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, वो भी मैं इसी में डाल दूंगा। और अब हम इसे हमाम दस्ते में दरदरा कूट लें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल करके रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। देखिए, जैसे बॉईल आ रहा है ना, तो अभी साइड साइड में जो ये मलाई आप देख रहे हैं ना, जम रही है जो, उसे हमें ऐसे करके निकाल लेना होगा। इससे दूध का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत बढ़िया आता है। और अब इस स्टेज पर मैं डालूंगा 3/4 कप चीनी। अब चीनी को दूध में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने हमाम दस्ते में इसको कूट लिया है, और अब हम इसे दूध में डाल देंगे। तो मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से कुक होने देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि खीर काफी ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसी स्टेज पर हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसके बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तब क्योंकि जब खीर को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर, तो वो गाढ़ी हो जाती है। तो मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखाता हूँ कि ये कैसी हो चुकी होगी। और रीज़न ये है कि खीर जब रखी रहेगी थोड़ी देर, तो उसमें थोड़ी थोड़ी मलाई जम जाती है, तो उससे वो ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाती है। तो 15 मिनट बाद दिखाता हूँ। तो ये देखिए, खीर कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, उसके ऊपर जो मलाई जम गई है ना, इसे मिला देंगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो ये देखिए, खीर बिल्कुल रेडी है, अब इसे गार्निश कर लेंगे। तो देखा ना, कितनी बढ़िया मखाने की खीर बन करके तैयार हो गई है, और बहुत ही बढ़िया होती है। और मखाने हेल्थ के लिए बहुत 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 अच्छे होते हैं, तो आप इसे फास्ट ना हो तो भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होती है और टेस्टी तो बहुत ज्यादा होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और प्लीज मुझे अपना सपोर्ट दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर लें, इससे आप मुझसे जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे और हौसला मिलेगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ।